हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा डॉट नेट ट्यूटोरियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक्स, मीन्स हम टूल बॉक्स में से कॉम्बो बॉक्स का हम कैसे यूज़ करने वाले हैं तो देखने वाले। तो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि बटन के हमने इवेंट्स देखे थे, टेक्स्ट बॉक्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और उसके भी इवेंट देखे थे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हमारा नया टूल यानी कि कॉम्बो बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमको आइटम्स वगैरह ऐड करना हो तो हम कैसे ऐड करते हैं WPF के अंदर, और उस पर्टिकुलर आइटम को हम सिलेक्ट वगैरह करें उसके कॉम्बो बॉक्स के कुछ इवेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। आज बेसिक है हम कॉम्बो बॉक्स कैसे यूज़ होता है WPF के अंदर वो देखने वाले। गाइज, यहाँ पर ये मैंने हमारा एप्लीकेशन WPF का ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। यहाँ पर एक टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स के अंदर से हमको लेना है एक कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, ये कॉम्बो बॉक्स जो है ना क्यों यूज़ होता है, यानी कि लिस्ट ऑफ अमाउंट डेटा, यानी कि लिस्ट में डेटा अगर आपको डिस्प्ले करवाना हो तो हम लाइक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर स्टूडेंट कौन से सिटी से है अगर आपको गेट करवाना हो, यानी कि लिस्ट ऑफ सिटीज़ होती है वो हमको शो करवानी हो, दैट टाइम वी यूज़ कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी कंटेंट ऐड करेंगे यानी कि जो भी टूल ऐड करेंगे ये टूल बॉक्स के ही अंदर करने वाले, टूल बॉक्स ये ग्रिड के बाहर करेंगे तो ये क्या होगा कि एटलीस्ट मीन्स वन ही कंटेंट यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि वन टेक्स्ट बॉक्स, वन कॉम्बो बॉक्स, लाइक दैट। तो हमको मल्टीपल एक से ज़्यादा कुछ टूल यूज़ करना हो तो हम यूज़ करेंगे ग्रिड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये टूल बॉक्स है, इसके अंदर हम लेने वाले हमारा कॉम्बो बॉक्स। ये टूल बॉक्स है, देखो ये कॉम्बो बॉक्स को उठाना है और यहाँ पर रख देना है। ये ग्रिड के अंदर हमारा कॉम्बो बॉक्स आ गया है। उस कॉम्बो बॉक्स का नेम दे देती हूँ मैं, माय कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, और उसका हाइट दे देती हूँ 30, और उसका विड्थ भी दे देती हूँ आपके हिसाब से। आप उसका हाइट और विड्थ दे सकते हो, मीन्स उसका हाइट अकॉर्डिंग अप टू यू, आपको उसकी हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, उसका फॉर कलर क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, आप उसके हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पर हाइट दी है और विड्थ दी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विड्थ के बाद हाइट डिफाइन कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉम्बो बॉक्स ऐड किया है। अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारे आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स आइटम उसके अंदर कंटेंट एक प्रॉपर्टी है, कंटेंट के इसमें ऐड कर सकते हैं हमारा डेटा। ठीक है, इसको क्लोज करिए। यहाँ पर मैं फिर से एक बार ऐड कर देती हूँ कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स ओपन करना है, क्लोज करना है, और उसके बाद आपको इसके अंदर ऐड करना है उसका नेम, माय कॉम्बो बॉक्स। और उसका विड्थ दे देती हूँ 200, हाइट दे देती हूँ। ठीक है, हाइट और विड्थ दे दिया। अब मुझे ऐड करना है कॉम्बो बॉक्स के आइटम, तो उसके अंदर
यहाँ पर कंटेंट एक प्रॉपर्टी है, उसमें हम ऐड करेंगे हमारे सिटीज, ठीक है। इसको एक डायरेक्टली यहाँ से क्लोज किया तो भी चलता है। कॉम्बो बॉक्स आइटम कंटेंट, यहाँ पे मैं दूसरा ऐड कर देती हूँ मुंबई, ठीक है। और एक ऐड कर देती हूँ कॉम्बो बॉक्स आइटम कंटेंट, यहाँ पर ऐड कर देती हूँ दिल्ली, उसको क्लोज करना है आपको, ठीक है। ये तो हमने ऐड कर दिया हमारे कॉम्बो बॉक्स के अंदर हमारे आइटम्स, हम उसको भी रन करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारा कॉम्बो बॉक्स शो हो गया, और उसके अंदर हमारे जो हमने सिटीज ऐड करे थे वो भी ऐड हो रहा है। बट अभी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर सिटी जो है यानी कि पुणे मुंबई दिल्ली ये सेट हो। उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सिलेक्टेड इंडेक्स जो है प्रॉपर्टी, उसको हम सेट करवाएंगे। सिलेक्टेड इंडेक्स हम 0 देंगे, नहीं तो आप सिलेक्ट सिटी ऐसे भी दे सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। अब फिर से मैं रन करके दिखा देती हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कॉम्बो बॉक्स के अंदर पहला नाम जो डिस्प्ले होगा वो पुणे होगा, क्योंकि उसका इंडेक्स 0 है, ठीक है। यहाँ पर वो ऐड हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ पर सिलेक्ट सिटीज ऐसा मैसेज भी दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। गाइज इस वीडियो में हमने देखा कॉम्बो बॉक्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर हम कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए होते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज वीडियो।